5 रुपए हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। हम लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और शॉपिंग है करने के लिए निकले हैं मैं, मम्मी और मेरी दीदी। सो बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में और ये हम लोग दिया ले रहे हैं। दिया गाइस प्लीज़ ठेले से भी ज़रूर ख़रीदना, उनकी भी बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो लोग लेके जाएंगे इतनी मेहनत के बाद तो ज़रूर लोग ख़रीदेंगे। तो उनसे प्लीज़ ज़रूर ख़रीदे, जो भी ठेले वाले हैं, जो भी छोटा छोटा शॉप है, जो भी जिन्होंने उम्मीद लगाया है इतना, उनके पास से ज़रूर ख़रीदें। और फिर देखते हैं आज हम क्या क्या ख़रीदते हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहें। और ये देखो गाइस क्या क्या मिल रहा है इधर, मूढ़ी, वाओ बहुत टेस्टी होता है। ये रहा हाथी, घोड़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, बताशे होते हैं मीठे मीठे और ये ऐसे शेप बने हुए होते हैं और ये काफ़ी मतलब टेस्टी होता है। पर अभी हमें ऐसा नहीं सोचना क्योंकि पहले भोग लगेगा भगवान को, उसके बाद ही मिलेगा किसी को। तो ये रहे बताशे और इनको ये दिवाली स्पेशल में भोग लगता है और सब चीज़ें शुभ के लिए बनाया जाता है ये सब। तो मार्केट में वैसे भी नई नई चीज़ें आती हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा क्या लगता है ना कि ये इतना कलरफुल होता है ना, सीरियसली इसको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। खाने से ज़्यादा तो इसको देखने का ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है इतना। अभी तो इसमें 3 ही कलर हैं, बहुत सारा है जो अभी बहुत कलरफुल है, लेकिन उधर इतना भीड़ है कि उधर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए। और मम्मी भी हैं, उनको चलने में थोड़ी परेशानी है तो हम लोग इतना चलेंगे नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाएगा देखते हैं क्या है। झाड़ू है तो झाड़ू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्या सबके ख्याल से दिवाली में, क्योंकि इनसे सफाई होती है। सबसे पहले लक्ष्मी पूजा में हम लोग सफाई को वैल्यू देते हैं, साफ सफाई के बाद ही लक्ष्मी पूजा होती है। तो अब ये देखो ये रहा मंदिर, अरे वाह मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी लगती है सबको। तो अब ये देखो ये क्या है, ये है पटाखे। तो गाइस मैं बोलूँगी कि ज़्यादा पटाखे ना जलाओ और ऐसे पटाखे नहीं जलाने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। बहुत सारे जानवर होते हैं रोड पे, ये देख लो अभी मैं घर में अलग से मुझे ऑडियो एडिट किया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में तो आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी, तो मैं अलग से एडिट कर रही हूँ। तो ये हम अभी हमारे डॉग्स जो है ना वो इतना बोलते हैं ना, अगर मैं कुछ करने लग जाऊँ तो ये बोल बोल के परेशान कर देते हैं। तो जिनके घर में होते हैं ना पेट्स उनको पता है। और तो ये देखो गाइज ये मूर्तियाँ, हम लोग मूर्ति लेंगे लक्ष्मी गणेश और मम्मी जैसा बताएंगी वैसा। तो देखते हैं हम लोग क्या ले पाते हैं और जो भी लेंगे वो बताएंगे। तो ये सब शॉप है, हम लोग बाहर वाले लोगों से ही खरीदने का ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद लगाई है। ये देखो सब शॉप्स को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है दिवाली में। तो मम्मी है, ये आगे मम्मी चल रही हैं, ये सब मैं वीडियो बना रही हूँ, सब मुझे ही देखे जा रहे हैं क्योंकि अजीब वहाँ पे सब भीड़ में थे और सब शॉपिंग कर रहे थे, मैं ही थी जो मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखो सब कितने छोटे छोटे बच्चे लेके इतने मेहनत से सब जाते हैं शॉपिंग करते, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो माहौल होता है ना दिवाली होली या कुछ भी ऐसा फेस्टिव जो माहौल होता है ना बहुत अच्छा लगता है। सो ये देखो सब खरीद रहे हैं, कहीं पे भी किसी से भी पूछो ना तो वो एक बार में रिप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे सब, इतना भीड़ था। ये देखो मूर्ति है, अब मम्मी को जैसी मूर्ति चाहिए ना वैसे मिल नहीं रही। रंगोली के आइटम्स, मुझे तो रंगोली बनाना बहुत पसंद है, मैं इस बार भी बनाऊंगी, मैं हर साल बनाती हूँ। तो बस ब्लॉग में बने रहो और देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। ये मूर्ति और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ले सकते थे, मम्मी बोल रही थी कि वो हमारे घर में नहीं लिया जाता है। ऐसा सा कुछ बहुत होता है ना जो सबके घर का अलग अलग रूल होता है तो उन सबको भी फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या कौन सी मूर्ति सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखो ये वाव ये दिया बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ब्लू कलर, मुझे कलरफुल दिए ना बहुत पसंद है। तो वही देखो कितना सुंदर है ना, ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये देखो फाइनली ये मूर्ति अच्छी लग रही है सबको।
लेकिन इसमें कुछ क्रेक्स है तो ये नहीं लिया जाएगा शायद, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब देखते हैं मम्मी क्या बोलती है। ये सब बत्तियां मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही थी। और वो गाइस जो शॉपिंग है ना, उसमें आप खरीदो या ना खरीदो, लेकिन एक बार घूमना जरूर, जब भी ऐसा माहौल हो जाए तो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है घूमने से, मन एकदम अच्छा सा हो जाता है। गणेश भगवान की ये मूर्ति है, ये सब इसमें जो भी मूर्ति पसंद आ रही है ना, वो सब थोड़ी थोड़ी क्रेक है, तो मम्मी बोल रही थी कि वो नहीं लेनी चाहिए। हाँ मुझे लगता है ये पसंद आ जाएगी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कुबेर जी हैं और लक्ष्मी गणेश, मुझे लगता है मम्मी को पसंद आ ही गई अब तो। फाइनली वो हमने ले लिया। अब ये देखो, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, माला है और भी चीजें हैं। देखो बहुत भीड़ था यहाँ पे अभी शॉप के अंदर, तो किसी को टाइम नहीं है कि कोई आप किसके बात का कोई रिप्लाई ही नहीं करेगा। किसी भी शॉप में जाओ ना तो वो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। अगर शॉप के भरोसे अगर हम लोग वैसे भी शॉपिंग करते ना तो कुछ नहीं खरीदा पाता हमारा। तो ये देखो, मैं मम्मी को बोल रही हूँ ये लो, ये वाली अच्छी लग रही है। मम्मी बोली कि नहीं बेटा, वो जब वो देखा जाता ना कितनी बड़ी मूर्ति होती है, वो जो लेना होता है, तो मम्मी का कुछ रूल है तो रूल वाइज ही हम लोग ले सकते थे, बड़ा छोटा नहीं ले सकते थे अपनी मर्जी से। तो देखते हैं अब क्या होता है, आगे आगे चलते जाओ चलते जाओ। बहुत सारा यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें थी ना जिनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, काफी चीजें। मैं अपने पापा को भी बहुत मिस कर रही थी इसमें, क्योंकि हम लोग बचपन में जाया करते थे पापा के साथ, ऐसे ही घूमने के लिए जाते थे उस टाइम में, और भी इंजॉय होता था। बट कोई ना, जो भी है बहुत हैप्पी है सब। और ये सब देखो, इतना खूबसूरत खूबसूरत माला मूर्ति, सब बहुत प्यारे प्यारे थे सच में। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी ना, ये सब देखो रंगोली आइटम्स है, ये पेपर्स हैं कलरफुल पेपर्स, सब अपने मंदिर में लगाते हैं। तो फाइनली अब देखते हैं, अब हमने चल रहे हैं, थोड़ा सा चलने के बाद देखते हैं और क्या मिल रहा है आगे। ये नेकलेस है सब भगवान लोगों के लिए, काफ़ी सुंदर सुंदर है। पर हमारे घर में हमने जो सेलेक्ट करी ना मूर्ति, वो इतनी छोटी है ना कि वो सेट नहीं हो रहा था माला। तो अब ये कैंडल्स, ये लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे थे गाइस कि इधर ले लो, यहाँ से ले लो। मुझे बहुत फील भी हो रहा था कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना, मैं सच में सबका सारा सामान ही खरीद लेती। ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लीज़ गाइस उनका सामान ज़रूर खरीदो, जो जिनका उनका भी फैमिली है और वो लोग भी बहुत उम्मीद से लगाते हैं शॉप। ये देखो सब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मैंने इतना ज़्यादा शॉपिंग किया, मतलब खुद से। पहले तो मम्मी ही लेके आ जाती थी, या घर में जो लोग होते हैं वो लेके आ जाते थे, पर इस बार मम्मी का फास्टिंग था तो हम लोग उधर ही चले गए। हम लोग बोले कि चलो हम लोग भी हेल्प कर देते हैं, और हम लोग डेकोरेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी हमें। अब देखते हैं, मम्मी इनसे कुछ बात कर रही है, ये क्या बोल रहे हैं। ये माला जो है ना, ये बोल रहे थे कि नहीं, उसमें भी बहुत सारी मतलब डिफेक्टिव चीज़ें ना भगवान लोगों के लिए नहीं लेते हैं, जैसे कोई थोड़ा सा टूट गया हो ऐसी चीज़ें नहीं लेते हैं। क्योंकि जो भी जितना मतलब हम लोग जितना खुद सजते हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें देख के, भगवान को भी उतनी ही अच्छे से सजाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ थोड़ा अच्छा ना हो तो इट्स ओके, भगवान का कौन सा देख रहा, नहीं। खुद से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को भगवान के लिए लेना चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता है, बट जितना है आप उतने में बहुत अच्छे से। ये देखो हम लोग पूजा भंडार में आ गए, तो जितना पैसा है ना, देख लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी ना, ये जो अंकल है ना वो सुन ही नहीं रहे थे। फाइनली मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी तुम साइड, दीदी को बोला मैंने साइड पे खड़ी हो जाओ, मम्मी को भी बुलाओ। मम्मी खुद से ढूंढ गुम हो गई थी मम्मी। अब देखे दीदी ढूंढ रही है कहाँ है मम्मी। फाइनली मम्मी दिख गई दीदी को, और वो लक्ष्मी जी का कुछ सामान लेना था जो वहाँ से लेगी। अब देखते क्या क्या है। बहुत बहुत ज़्यादा इसमें मतलब हम लोग तो फिर भी ये वेट करके गए थे कि थोड़ा भीड़ निकल जाए फिर जाएं, हम लोग तो रुक जा रहे थे मार्केट में बीच बीच में। लेकिन अगर मम्मी बोली अगर ऐसे शॉपिंग किए ना तो आज नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी से करना ज़रूरी है। तो फाइनली अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इतना मुझे नहीं समझ में आ रहा मम्मी ने क्या क्या लिया, पर काफ़ी चीज़ हम लोग ले रहे हैं। ये देखो, ये कुछ होता है, पोटली लेना है लक्ष्मी जी का। फाइनली
तो देखते कि मम्मी को क्या पसंद आता है। ये बहुत सारी सुंदर सुंदर पोटलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। और वैसे तो मेरी खुद मेरी अपनी सिस्टर है, वो बहुत अच्छा स्टिचिंग करती है, वो बहुत अच्छी सिलाई करती है, बहुत सारी डिज़ाइनर ड्रेस बहुत कुछ बनाती है। तो हम लोग ये सब चीज़ें खरीदते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं बाहर से भी थोड़ा मोड़ा ले लेना चाहिए। वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है भगवान के लिए, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए घर में। तो भगवान के लिए जो भी हम लोग पहनाएंगे ना, वो हम लोग खुद से बनाएंगे। उसके लिए भी हम लोग कपड़े लेंगे और खुद से लैस वैस लेंगे, अच्छे से डेकोरेट करके वो बनाएगी। तो फाइनली अभी मम्मी पोटली ले ली है। ये मेरी दीदी भी बना सकती थी, बट मम्मी बोली कि नहीं एक ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिलती है। तो उसको बहुत लोग दे देते हैं कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरा कर दो, तो फिर वो मना नहीं कर पाती, बहुत अच्छी है। सो फाइनली वो अभी वो इस ब्लॉग में नहीं है, लेकिन एक नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें मैं उनको भी लेकर आऊँगी ज़रूर। ये देखो कितना खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी चीज़। मुझे सच बताऊँ ना, मन ये मेरी दी, मुझे लग रहा था ना मैं सब चीज़ ले लूँ यहाँ से, लेकिन वही बात है ना, पॉसिबल नहीं है। देखो कितनी भीड़ थी, हम लोग ना ऊँचे, यहाँ पे मम्मी का व्रत था तो मैंने सोचा कि मम्मी को कुछ खिला देते हैं, बट मम्मी मेरी हर जगह खाती भी नहीं है। तो मम्मी का ये है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो उनका मानना होता है कि पता नहीं साफ़ सफाई होगी कि नहीं होगी, तो इस वजह से वो हर जगह का खाती नहीं है। तो अब देखते हैं खाती है कि नहीं, शायद खाया उन्होंने, हाँ खा लिया। तो फाइनली वो बोली थी नहीं मेरा खाते हुए वीडियो नहीं बनाना है, तो हम लोग नहीं बना लिए, नहीं बनाया उसमें। सो ये देखो कितनी भीड़ थी गाइस। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ क्या होती है ना, कि कभी भी किसी भी फेस्टिव सीज़न में तो इतनी जो है ना बाइक और ये सब चीज़ों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये अंदर अंदर तक गली गली में लेके घुस जाते हैं, और कई सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, या फिर बहुत लोग रोड पे इतने अच्छे से फ्रीली नहीं चल पाते हैं, सो इनके लिए कोई सोचता ही नहीं है, घुस जाते हैं गाड़ी लेके। ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर आप कोई, आप लोग में से भी कोई ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। अगर सोचो किसी को एक बार चोट लग जाए तो वो कितने लंबे टाइम तक दर्द में रहेगा, तो ऐसा ना करें, खुद से कोशिश ना करें कि किसी को तकलीफ़ हो। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं, चूड़ियाँ। फाइनली अब हम लोगों को, मम्मी को हमने भेज दिया, वहाँ पे ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना रिक्शा करके, कैसे भी मैंने मतलब मम्मी को हम लोगों ने मिलके भेज दिया रिक्शा में, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, अभी बहुत दूर हम लोगों को चलना है। तो ये देखो कितना सुंदर इन्होंने सजाया है ना, ये ज्वेलरीज है जो भी ये मिल रही है यहाँ पे शॉप से ज्वेलरीज के, और इतने खूबसूरत से इन्होंने डेकोरेट किया है ना, काफ़ी अच्छा लगता है, देख देख के ही बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत चीज़ों को देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो देखते हैं अब ये क्या है, सब सब कुछ मतलब अलग ही फील था, वाइब थी, दिवाली वाली वाइब थी जो नॉर्मल डेज में नहीं होती है, शायद सब सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरी सिस्टर को तो मन हो रहा था ना उस दिन, एक्चुअली क्या था ना कि मम्मी बोली थी कि कोई भी झूठा हाथ झूठा नहीं करना है, मतलब कुछ भी शॉपिंग करनी है ना, कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं है जिससे वो सामान भगवान का झूठा हो जाए। और ये जो बिस्किट थे ना यहाँ पे, तो इनको देख के मेरी दी को तो लगा कि वो चुरा ही ले मतलब खा ही नहीं, किसी तरह किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन नहीं भगवान का। ये देखो दिए, काफ़ी सुंदर दिया था ये सब। मेरी दी पूछ रही है कितने का है, कैसे है। फाइनली हम लोग गाइस, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग इतना आराम आराम से अगर सब बनाने लग जाएं तो, सब खरीद खरीद के। ये देखो कितने अच्छे से डेकोरेट करा है इन्होंने। तो यही है, काफ़ी अच्छा लगा शॉपिंग करके। और ये देखो अब हम लोग अपने कपड़े के शॉप पे आ रहे हैं लेने के लिए, कुछ भगवान के लिए कपड़ा लेना है और कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये वाली, तो अब देखो ये सब फ्लावर से सजा था, मुझे सबसे अच्छा लगा यही जो फूलों से सजा था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखो सब दिए लेके नीचे बैठते हैं, बहुत दया आता है मुझे इन लोगों पे, कि मतलब कौन नहीं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि सबका, उनके पास सब कुछ हो, बट फिर भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो प्लीज़ ज़रूर जो भी है उनके पास से भी लें ज़रूर, ये नहीं मैं कहती कि आप उनसे ही लो, पसंद की चीज़ें लो, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, तो ज़रूर से ज़रूर खरीदो उनसे भी जो चीज़ें, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी मिल जाएंगी और
वहाँ पे भी मिल जाएंगे और सेम चीज़ें हैं, तो आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा उनसे भी ले लो। मुझे पता है कि लगता है ऐसा कि एक शॉप पे अगर हम आ गए तो यहीं से सब ले ले, लेकिन कई बार ले लेना चाहिए क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ होती है। तो पता है सब ऐसे वेट करते होते हैं ना, जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबको वो ऐसे देख रहे होते हैं ना, लगता है कि ये आएंगे हमारे पास लेंगे, ऐसा होता है ना उनके साथ। ये देखो मिठाइयाँ। अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक कपड़े की शॉप पे। हम लोगों को बहुत एक दो जगह और गया, वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था हम लोगों को जो लेना था, वो बोल रहे थे कि ऐसा ही है। और पता है जो कपड़े के शॉप वाले ना थोड़े आलसी लोग होते हैं, ये सोचते हैं ना जो भी ऊपर ऊपर है ना वही दिखा देते हैं, इनमें से ही कुछ पसंद कर लो, और अच्छी तरह दिखाते ही नहीं है, पहले पूछते हैं कितना लेना है। देखो अब ये इन लोगों को इतना आलस होता है ना कि ये चाहते ही नहीं है खोल के दिखाना, सोचते हैं इनमें से जो भी रखा है पसंद आ जाए, मतलब पसंद आ जाए तो कर लो। और हम इनको कैसे बताएं, भगवान के लिए भी हम लोग इतने अच्छे से ही सेलेक्ट करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या बोले, इट्स ओके। तो अब फाइनली हम लोगों को कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भी लेनी है और कुछ डाइनिंग टेबल का कवर और ये सब चीज़ें लेनी है। तो कई जगह वो लोग शॉप वाले होते हैं वो बोलते नहीं मेरा मत बनाओ ऐसा नहीं, तो ये लाइट्स है सब देखो, यहाँ से हमें जो लेना था हमने ले लिया, हमने बल्ब लिया है यहाँ से फाइनली। और ये जो है ना शॉप वाला इतना गुस्सा कर रहा था ना वीडियो में बना रही थी, तो पर कोई ना, कह रहा था कि मत बनाओ वीडियो मत बनाओ, मैंने बोला कि नहीं बना ही लेते हैं क्या जाता है, फाइनली बना लिया मैंने ये वीडियो। देखते हैं काफ़ी कलरफुल चीज़ें, वैसे तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, नेचुरल चीज़ों को ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बट ट्रेंड के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ये भी यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो होता है ना दिवाली में सबसे ज़्यादा शुभ और अच्छा होता है दिया जलाना, जो तेल का जो दिया जलता है ना वो सबसे बेटर होता है, उसको ज़रूर जलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो जलाओ। क्योंकि क्यों जलाया जाता है दिया, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव एनर्जी है, उनको दूर रखने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप लोग इनका भी इस चीज़ का भी ध्यान रखो। फाइनली मैं बैठ गई और देखो ये मुझे कपड़ा दिखाया इन्होंने, पर मुझे ये कलर और ब्राइट चाहिए है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो वही बात है, शायद अब ये ढूंढ रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो इनके पास एक कपड़ा मुझे अच्छा लगा, देखते हैं ये कि निकालते हैं कि नहीं। ये लोग भी नहीं निकाल रहे थे क्योंकि एक्चुअली बहुत भीड़ थी, इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि एक चीज़ को इनको बार 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 इरिटेट हो गए थे ये लोग भी। तो ये मुझे अच्छा लगा, पर दीदी को भी बहुत पसंद आया, पर दीदी बोल रही थी कि ये ले लो, पर मैंने बोला कि नहीं, मतलब प्लेन कपड़ा पे अगर अच्छा खूबसूरत सा लैस लगा दो, क्योंकि भगवान के कपड़े पे अगर लैस ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर दीदी भी बोली कि हाँ अगर लैस इस पे लगा देंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे भगवान हैं हमारे, तो वो बहुत ज़्यादा वो खिल के नहीं आएगा। तो और इससे पहले हमने ऐसा कपड़ा ले लिया था, तो लगा हमें कि थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। पिछली दिवाली में हम लोग कुछ ऐसा इसी टाइप का लेके गए थे, तो ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया हो गया मेरी सिस्टर के साथ साथ। तो ये ऋचा दी दिखा दो, धो धो के हालत खराब, फाइनली हम लोग बहुत सारा सामान ले लिए हैं और हम लोग को रिक्शा ऑटो मिल नहीं रहा है, और यकीनन पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं पूरे, काफ़ी पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, और हमारा झोला है पाँच रुपये और ये रहा झोला। लकी बाइटी के लिए पाली जी, कंटिन्यूस शॉपिंग करने के बाद पाली जी खरीदेंगे हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं, सो अभी हम लोग बाय, रिक्शा नहीं है, हम लोग को बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
फाइनली हम लोगों को बिस्किट और वो दूध जो लेना था वो मिला है, बट अभी हम लोगों का जो औकात है नाउ एट ए टाइम 48 रुपया भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग पे कर पाए। ये तो बोलो कि वो जान पहचान वाला शॉप था तो दे दिया, नहीं तो हम लोग को फिर वापस घर जाना पड़ता और आना पड़ता। और सब के सब जितने शॉप वाले है ना, कोई गूगल पेमेंट करना नहीं चाहता है देखना। और फाइनली हम लोगों का सामान तो हो गया, बहुत रात हो चुका है, सो हम लोग अब ज्यादा छीना जा सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है। ओके यहाँ छीना जा